बात करते हैं साहिबगंज की, जहां लोबिन हेमब्रम की अन्याय यात्रा निकाली गई है। आपस में जेएमएम के कार्यकर्ता उलझ गए, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। भोगनाडीह में धारा 144 लागू कर दिया गया है। लोबिन ने जल्द ही बंद सभा को जो है बंद करवा दिया है। साहिबगंज में लोबिन हेमब्रम की न्याय यात्रा निकल रही थी, इसमें आपस में जेएमएम के कार्यकर्ता उलझ गए, दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और सभा को उन्होंने जल्द ही बंद कराया। भोगनाडीह में धारा 144 लागू करा दी गई है। तो ये लोबिन हेमब्रम की अन्याय यात्रा, आपस में जेएमएम के कार्यकर्ता उलझ गए, जिसे लेकर नारेबाजी कर रहे थे सभी कार्यकर्ता और उसके बाद अचानक सभा को बंद कराना पड़ा। भोगनाडीह में धारा 144 लागू कर दिया गया है। हमारा कार्यक्रम अन्याय मार्च और उसी के तहत चारों तरफ से लोगों को खबर कर दिया गया था, लेकिन हम जब हमारे लोग आ रहे थे वहां बीच रास्ते पे जेएमएम के कार्यकर्ता ने और वहां सांसद भी जहां तब बैठा हुआ था, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, गाड़ी रोक दिया गया, बैनर पर लाठी डंडा बरसाया गया और जितना बैनर पोस्टर था सबको फाड़ फोड़ के बहुत आदमी तो लौट गया। फिर हमने थाना प्रभारी को फोन किया और बोला कि ठीक है सर हम तुरंत जाते हैं। जाने के बाद उसके देखते उसके सामने बैनर पोस्टर फाड़ा गया। हम लोग यहाँ आए, आने के बाद तुरंत आदमी आए बैठे भी नहीं है और एसडीओ साहेबगंज का फोन आया कि आप जल्दी खत्म करिए। हम बोले एसडीओ साहब अभी जल्दी खत्म कैसे करेंगे, अभी तो हम लोग आए हैं बैठ ही रहे हैं, हम माइक थामे ही है, जैसे लोग आएंगे हम जल्दी खत्म करेंगे। नहीं नहीं ऊपर से दबाव है जल्दी खत्म करिए। ये लोग जब हमारे लोग वहां जा रहे हैं पूरा गाड़ी के साथ जो लोग आए भी इसके कहने पर हम इस्तीफा देंगे, कौन होता है ये? मैं अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का हूँ, हमने यही कहा है कि आज हमने मुख्यमंत्री से बात किया, जब हेम बसंत सरन से भी बात किया, स्टीफन बनर्जी से बात किया, नलिन सोरेन से बात किया कि भाई एक लौता है वहां पर एक हमारा सांसद विजय हंसता है, लेकिन ये लूज करेगा आप सरकार में आप लोग पता कर लो, अगर ये जीतेगा तो लोबिन हेमब्रम को कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोलता है, कौन बोलता है बताओ हमारे सामने कौन बोलने वाला है? और बोलता होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बोलता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज भी मैं शिबू सोरेन का चेला हूँ, मैं इंतजार में हूँ। पूछना चाहता हूँ माननीय लोबिन हेमब्रम जी से कि क्या हम लोग पार्टी के मेंबर्स नहीं है, हम लोग पार्टी के पदाधिकारी नहीं है? तो यदि है तो आखिर हम लोगों को क्यों नहीं पूछा गया? और दूसरा बात कि बार बार आप सरकार के ऊपर में हेमंत सोरेन के ऊपर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर में आरोप लगाते हैं, ठीक है आप आरोप लगाइए, लेकिन यदि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा में मन नहीं लगता है, बीजेपी की इशारा में बीजेपी के पैसा से आप नचना अच्छा आपको लगता है तो आप चले जाइए, हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झंडा है अपना गाड़ी में वो आप खोल दीजिए। हमारा कार्यक्रम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।